नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे नारियल की चटनी बनाना। नारियल की चटनी हम डोसा, इडली, उत्पम के साथ खाते हैं। ये एक साउथ इंडियन चटनी है, बहुत आसान है बनाना। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक नारियल लेना है। हम फ्रेश नारियल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो करने के बाद हम गैस के ऊपर नारियल रख देंगे और नारियल को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे अब हमारा नारियल जो है वो अच्छे से पक चुका है और एक अच्छा एक स्मोकी सा फ्लेवर नारियल के अंदर आ चुका है। अब हम नारियल को ठंडा कर लेंगे। जैसे ही आप नारियल को ठंडा कर लोगे, आप ईज़िली नारियल को निकाल सकते हो। यहाँ पर अब हमारा नारियल जो है ईज़िली निकल चुका है। अब हम करेंगे नारियल का ऊपर वाला पार्ट जो है वो छिलका हटा लेंगे। उसके बाद नारियल के व्हाइट पार्ट को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। नारियल को हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम नारियल को एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बाउल में 4 हरी मिर्च लेना है और थोड़ा सा अदरक लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार के अंदर हमने जो नारियल के छोटे छोटे पीसेस कट किए थे वो हम ग्राइंडिंग जार के अंदर निकाल लेंगे। ग्राइंडिंग जार के अंदर अब हम 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालेंगे। उसके बाद हम ग्राइंडिंग जार के अंदर 1.5 चम्मच दही डालेंगे। दही से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम ग्राइंडिंग जार के अंदर 1.5 चम्मच चना डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चना दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चना पहले से रोस्ट किया हुआ डाला है। उसके बाद हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हम इन सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद दोबारा से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे अब हमारा नारियल का चटनी बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम नारियल की चटनी को एक कटोरी में निकाल लेंगे। नारियल की चटनी के ऊपर अब हम तड़का डालेंगे। तो तड़का बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे करछी लेना है। करछी के अंदर हम 1 टेबलस्पून सरसों तेल डालेंगे और सरसों तेल को हम गरम होने देंगे। जैसे हमारा सरसों तेल गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर हींग डालेंगे। हींग जैसे ही हमारा पक जाएगा तब हम इसके अंदर बहुत सारे करी पत्ता डालेंगे और करी पत्ता को हम यहाँ पे भून लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम नारियल की चटनी के ऊपर तड़का डाल देंगे। यहाँ पे अब हमारा नारियल का चटनी बन करके तैयार हो चुका है। नारियल की चटनी को आप इडली, डोसा, उत्पम के साथ सर्व करें। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ, तो चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।